अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों सुबह दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था बहुत ही बड़ी दोस्तों खुशखबरी दोस्तों इंडियन एयरलाइंस की तरफ से दोस्तों आ रही, वो आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि DGCA द्वारा क्या क्या गया, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा क्या क्या गया है, सारा डिटेल मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। ये ट्वीट करके बताया गया, इंडियन एयरवेज की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया है। तो दोस्तों ये कल ही के दिन ट्वीट किया गया था, तो क्या ट्वीट हुआ क्या नहीं हुआ सारा डिटेल मैं आपको पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल हिंदी में दोस्तों आई हुई है, तो ये पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन से देशों के लिए क्या क्या स्टार्ट की गई है, कितने देशों के लिए अनाउंसमेंट किया गया, सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो साथ ही इसमें बता रहा है भारत से 8 जनवरी से फ्लाइट शुरू होंगी, जो कि 28 देशों से बातचीत अंतिम दौर में चल रहा है। तो ये दोस्तों बताना चाहूंगा, यहाँ बताया गया कि कोरोना वायरस की नई वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साथ मिलकर बना दी गई है, जो कि इसे मंजूरी भी गवर्नमेंट द्वारा दे दिया गया है। और इसके साथ ही भारत और यूके के बीच में 8 जनवरी से वायुसेना सेवा पुनः शुरू करने की जा रही। दोस्तों यूके के लिए सबसे ज़्यादा फ्लाइट के दोस्तों वहाँ पे मतलब लॉकडाउन लगाया गया था, यूके में जितनी फ्लाइटें वगैरह थी सब फ्लाइट को बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों 8 जनवरी से यूके के लिए फ्लाइट जो है वो दोबारा शुरू किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी कुछ समय पहले भारत के सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह द्वारा पूरी जानकारी दी गई है। भारत में उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट के जवाब में कहा है कि 28 देशों जिसमें सऊदी अरब भी शामिल होगा, तो दोस्तों इसमें से सऊदी अरब में दोस्तों कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन सभी देश इसमें शामिल होंगे। तो इसमें ये दोस्तों एयर बबल एग्रीमेंट के तहत होगा, और जो वंदे भारत मिशन के तहत जो भी फ्लाइटें चलाई जा रही थी जो बंद कर दी गई थी अभी कुछ दिनों से, वो फिर से दोबारा चालू की जाएगी। बातचीत में दूतावास के जरिए अंतिम चरण में जल्द ही खुशखबरी भारतीय प्रवासी नागरिकों को मिलेगी, मतलब जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, भारत के लोग हैं जो गल्फ कंट्रियों में काम करते हैं, सभी को बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। इस मामले में और ज़्यादा जानकारी देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने अपने मीडिया बयान में कहा कि भारत और यूके के बीच फ्लाइट सेवाएँ 8 जनवरी से शुरू होंगी, लेकिन 23 जनवरी तक 15 फ्लाइट प्रति सप्ताह उड़ान भरेगी, यानी दोस्तों हर सप्ताह 15 फ्लाइट उड़ान भरेगी, जिनमें से हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली को, वहां से दोस्तों जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहीं से उड़ान भरेगी। तो दोस्तों ये जानकारी DGCA द्वारा दिया गया है, जो इंडिया के जो DGCA उसके द्वारा ये जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी साथियों, जो कि सभी गल्फ कंट्रियों में रहने वालों के लिए है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी जानकारी थी, इसलिए मैंने सोचा इस पर मैं अलग से वीडियो ही बना दूंगा, इसलिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी और काफ़ी दोस्तों अच्छी अपडेट दोस्तों ये मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।